इस आ चुके न्यू वीडियो के साथ वापिस। तो गाइज मैं बात कर रहा हूँ रोहित शेट्टी एंड रणवीर सिंह की सर्कस मूवी की। जी हाँ, उसका चल रहा है बॉक्स ऑफिस में आई डे 13। भाई जाने के कि आज वो कितना क्रशन करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ गाइज, इसका चल रहा है सेकंड वीक, लेकिन जो उसका सेकंड वीक का क्रशन निकल के सामने आ रहा है वो काफ़ी ड्रॉप हो गया। जी हाँ गाइज, पैसे देखा जाए तो स्टार्टिंग से जो उसका क्रशन है वो काफ़ी ड्रॉप देखने को मिला है, लेकिन इस वीक की बात करूँ तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गया है। भाई मैं देख लो संडे की, संडे इसने केवल 2 करोड़ 5 लाख क्रशन किया। बात करूँ मैं मंडे की, तो मंडे में इसने ओनली 61 लाख क्रशन किया। बात करूँ मैं ट्यूजडे के, तो ट्यूजडे ने इसने केवल 50 लाख क्लशन किया, बट अभी अर्ली इस्टीमेट है। भाई बात करूँ मैं आज की, यानी बात करूँ मैं टूडे की, तो टूडे जो उसकी मॉर्निंग में ओकोवेंसी निकल के सामने आ रही है एंड जो उसकी आफ्टरनून की ओकोवेंसी निकल के सामने आ रही है, तो गाइस ये ओनली आज 45 लाख के आसपास हमें क्लशन करते हुए नजर आ रही है। ऑफकोर्स इसमें 2 या 3 लाख प्लस एंड माइनस हो सकता है। भाई बात करूँ मैं इसका टोटल की, तो इंडिया नेट में अभी तक 36 करोड़ 36 लाख क्लशन कर चुकी है अगर आज ये 45 लाख के आसपास क्लशन करती है तो। भाई बात करूं मैं इसके पूरे वर्ल्ड वाइड में, तो पूरे वर्ल्ड वाइड अभी तक ये मूवी 50 करोड़ से ज्यादा क्लशन कर चुकी है। भाई मैं इसकी शोज की बात करूं तो गाइस इसके पास अभी केवल 1000 से ज्यादा शोज बचे हैं। जी हां, 1000 से ज्यादा इसके पास शोज हैं। ऑफ कोर्स जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब इसके पास लगभग 3500 से ज्यादा शोज थे। जी हां गाइस, आप लाग सकते हो कि 3500 प्लस इसके पास शोज थे, बट अपने सेकेंड वीक में ये मूवी लगभग 2000 से ज्यादा शोज खो चुकी है। तो फिलहाल देखा जाए तो उसका फर्स्ट टारगेट होगा जो होगा कि जो मीडिया का नेट क्रशन है 66 करोड़, क्या उसको ये वीट कर पाएगी। अब अभी तो देखा जाए तो काफ़ी नामुमकिन लग रहा है, काफ़ी मंजिल दूर दिख रही है। मेरे को लगता है जब मैं अपने लाइफ टाइम में इसको 50 करोड़ का आंकड़ा टच करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो रोहित शेट्टी यार, मतलब देखा जाए तो उनकी ये फ्लॉप एंड डिसाइडर अभी तक लाइफ में उनकी सेकेंड मूवी होगी। जी हाँ, लगा सकते हो जो उनकी 15वीं मूवी है और अभी तक जो 2 मूवी फ्लॉप दे चुकी है, एक उससे पहले और एक आज सर्कस की बात कर रहा हूँ जो अभी थिएटर में पिटी चुकी है। तो गाइस आपको क्या लगता है, जो लाइफ टाइम में 50 करोड़ का आंकड़ा टच कर पाएगी, अब करती भी है तो आपको क्या लगता है नेट क्रशर में 66 करोड़ से ज्यादा क्रशर कर पाएगी, क्या ये मीडिया को वीट, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी करो सब्सक्राइब। आके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।